वेलकम टू डर्मोटॉक्सिन। तो मैं यानी डर्मोटॉक्सिन डी और हमारे एक दोस्त यानी आप पोकेमॉन हिंदी बॉय आपको मिलके आज हम लोग आपको मिलके बताने वाले हैं टॉप 5 स्टार्टअप पोकेमॉन्स। सो यानी हम लोग का एक कोलैब वीडियो, तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब करने में बेल आइकन भी प्रेस कर। ये बहुत अच्छा है, पोकेमॉन कंटेंट बनाते हैं और कुछ अनबॉक्सिंग भी करते हैं बेबीज की, तो पक्का इन्हें सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मुझे भी सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर शेयर करें दोस्तों के संग। और हाँ कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूले। तो हम लोग का कोलैब स्टार्ट होता है। आप सोचे होंगे कि आपके पोकेमॉन हिंदी वाई की आवाज़ आखिर कैसे बदल गई है। तो यार, मैं डर्मोटॉक्सिन डी हूँ और मैं भाई के चैनल पे आया हूँ एक वीडियो बनाने, मतलब ये हम लोग का कोलैब वीडियो है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और हाँ, भाई के चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लेना। पोकेमॉन हिंदी वाई बहुत अच्छा चैनल है, आप उनके एक के सब्सक्राइबर्स भी हो गए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना उनको। और हाँ, मेरे चैनल का भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं पोकेमॉन डोरेमोन से तो हम लोग की स्टार्टअप पोकेमॉन लिस्ट में चिकोरीटा एक अच्छा ऑप्शन इसलिए आपके लिए रहेगा क्योंकि चिकोरीटा जब बेलीव में इवॉल्व हो जाएगी तब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चिकोरीटा के पास बहुत अच्छे अच्छे खासे मूव भी हैं। बल्बसौर एक अच्छा पोकेमॉन है, अगर वो वेनसौर उसका आईवीसौर वर्जन है और उसका वेनसौर जो उसका टॉप वर्जन है, उसके बाद वो मेगा इवॉल्व भी हो सकता है, तो आपके लिए बल्बसौर एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। बल्बसौर आई थिंक बेस्ट नहीं है तो भी सेकेंड पे आने के लायक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है। तो नंबर थर्ड पर आता है स्केप्टाइल, क्योंकि स्केप्टाइल हमारे एस के पास भी था, जो एस के पास होता है वो हमारा फेवरेट होता है और ये मेगा इन्वॉल्व भी हो सकता है और इसने डार्क क्राई को भी हराया हुआ है, तो लेजेंड पोकेमॉन को हराया हुआ है, तो इसलिए ये आता है नंबर थर्ड पर। तो बढ़ते हैं नंबर सेकंड की तरफ। नंबर सेकंड पर आता है चिमचार, मतलब हमारा इन्फर्नेप। ये हमारी लिस्ट में है क्योंकि इसने सिनोलिंग में धमाल मचा दिया था और बड़ा टाकर थोड़ा था, इसलिए नंबर सेकंड पर आता है इन्फर्नेप। इन्फर्नेप एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन लगता है इसकी टीम का, इसलिए ये स्टार्टर पोकेमॉन भी अच्छा है। तो फर्स्ट नंबर पे वो है हम लोग का चार्मेंडर। चार्मेंडर के फर्स्ट नंबर पर होने के बहुत सारे रीजन। चार्मेंडर का जो सेकेंड इवोल्यूशन वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और 4000 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और उसके मेगा इवॉल्व भी होते हैं, एक्स वाई जो उसके मेगा इवोल्यूशन है वो सब भी हो जाते हैं, तो एक 4000 बहुत अच्छा, मतलब चार्मेंडर जब 4000 में इवॉल्व होगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके मेगा इवोल्यूशन भी है, सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ये पोकेमॉन। सो मेरा ना कहना है कि चार्मेंडर बेस्ट है आपके स्टार्टअप पोकेमॉन में। स्टार्टअप पोकेमॉन्स में मैं आपको टॉप 3 स्टार्टअप पोकेमॉन्स के बारे में बताया, और जब ये मेगा इवॉल्व होगा तब तो उसे भी चार्मेंडर 4000 बन जाए तब उसे बहुत अच्छे खासे मूव भी आते। रुको रुको, निराश मत हो, नंबर वन पे चार्मेंडर ही नहीं है, उसके साथ एक और पोकेमॉन है, वो मेरा आपका आप सबका फेवरेट है, वो है फ्रोकी, मतलब ग्रीन निंजा मतलब एस ग्रीन निंजा, क्योंकि एस ग्रीन निंजा इसलिए बोला क्योंकि ये मेगा इनोल होता है। मेगा इनोल हुआ था एक स्पेशल बॉन्ड से जो था एस और ग्रीन निंजा के बीच में बॉन्ड था, उसकी वजह से ये मेगा इन्वॉल्व हुआ था, तो इसलिए नंबर वन पर तो ये होना ही चाहिए था सस्पेंस के लिए। पहले चार्मेंडर को बताया, बाद में इसको बताया, दोनों ही नंबर वन पर है। तो आपके लिए कौन सी टीम है क्या आपके, आपको कौन सा लग रहा है टॉप 5 स्टार्टर वो होने चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कर दो #आंसर करके आपकी टॉप 5 टीम बता दो। और हाँ, डोरेमोन टॉक्स हिंदी को भी सब्सक्राइब कर देना, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल की लिंक। तो बाय बाय। सो हम लोग का वीडियो बस इतना ही तक था। अगर आपको स्टार्टअप पोकेमॉन के बारे में नहीं पता तो बोल दे रहा,
जब पूरे प्रोफेसर के लैब में तीन पोकेमोन्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मेनली वो ग्रास के होते हैं, और ग्रास के होते हैं, फायर के होते हैं और वाटर टाइप होते हैं। सो ऐसे टाइप के रहते हैं, तो प्रोफेसर तीन पोकेमोन में से एक पोकेमोन आपको चूज करने देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड स्टार्टर पोकेमोन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करें, पोकेमोन इंडिया वाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, और हाँ लाइक पक्का करें। और हाँ, पोकेमोन इंडिया वाई के चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पक्का प्रेस करें, और हाँ अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें, आपका फिर कौन सा स्टार्टअप पोकेमोन फेवरेट है वो भी आप कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मत भूलना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और डोरेमोन हिंदी टॉक को भी सब्सक्राइब करना। मेरा पहला कोलाब वीडियो है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा एक और कोलाब वीडियो आने वाला है, वो है पोकेमोन हिंदी एक्स के साथ। तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और डोरेमोन हिंदी टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और उनका बेल आइकन दबाना भूलना मत। वो बड़ी अच्छी एनिमे के रिलेटेड वीडियो लाते। बाय बाय।